आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक और नया नाश्ता जो एकदम इतना टेस्टी और इतना लाजवाब बनता है, उतना ही स्वाद में भी। और ये ब्रेड और सूजी से बनने वाला नाश्ता है और इतनी आसानी से बन जाता है, झटपट। और सुबह हो या शाम हो, किसी भी टाइम आप बना करके इस नाश्ते को आप खा सकते हैं। और ये कम तेल में बनने वाला नाश्ता है और एक बार जरूर आप ट्राई करके देखिएगा। इसके लिए आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू कर। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 1 चम्मच बड़ी वाली सब्जी की और इसमें डालेंगे हम 4 से 5 ब्रेड। इसको हम तोड़ करके इसे डाल देंगे। और अब हमको डालना है इसमें 1 चम्मच भर के बड़ी वाली जो हमने सूजी की ली थी, वही लेंगे हम 1 चम्मच भर के दही की। इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे दही में, दही सूजी और ब्रेड को, तीनों चीजों को देखिए। और इसको ढक करके 5 मिनट तक रख देंगे, क्योंकि तब तक हम दही में ब्रेड भी फूल जाएंगी और हमारी थोड़ी सूजी भी फूल जाएगी। और इसको ढक करके रख देते हैं, तब तक हम अपनी कुछ सब्जियां कट कर लेते हैं। देखिए सब्जियों में हमने लिया है 1 टमाटर, 1/2 टुकड़ा गाजर का, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 प्याज छोटा, थोड़ा सा धनिया, 1 शिमला मिर्च, इसको आधा कट कर लेंगे क्योंकि ये ज्यादा बड़ी है, और इनको सबको महीन महीन कट कर लेते हैं। सब्जियां हमारी कट हो चुकी हैं और आप इसमें जो भी आपको पसंद हो वो सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं। तो सब्जी को कर रखते हैं किनारे और जो हमारा ब्रेड और सूजी दही था वो देखिए फूल करके इस तरह से हो गया, एकदम मैश हो गया है। अब हमको चाहिए एक मिक्सी जार, मिक्सी जार में इसको डाल करके और इस मिक्सी जार में डाल करके इसको है पीसना। पहले इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब पानी और इसका एक स्मूथ पतला सा घोल तैयार करना है। घोल हमारा तैयार हो चुका है, इसको अब हम निकालेंगे बर्तन में। बर्तन है जो पहले वाला ही हमने घोल करके रखा था, इसी में हम अपने ये देख कुछ इस तरह से पतला घोल तैयार करना है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी जो कटी हुई सब्जियां थी वो सारी इसमें डाल करके और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इतना टेस्टी नाश्ता बनता है कि बहुत अच्छा है टेस्ट, स्वाद के साथ साथ ये उतना ही। सारी सब्जियों को हम अपने इस घोल में मिला लेंगे, इसको चम्मच की सहायता अच्छे से मिला लेंगे। और आपको जो जितनी सब्जी पसंद हो आप इसमें वो डाल सकते हैं। और इतना टेस्टी नाश्ता बनता है कि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सब मांग करके खाएंगे। एक बार अगर आपने इसमें बना लिया तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमक डालेंगे इसमें स्वादानुसार, कम ज़्यादा अपने हिसाब से हो सकता है। और थोड़ी सी डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पिसी हुई बस, और इसको आप अच्छे से मिला लेना। हम इसको लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे पहले और अच्छे से फैला लेंगे, इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। और हमारा जो बैटर था वो 1 कड़छी भर के या 1 चम्मच भर के जो सब्जी वाली है हमने जिसे पूरा नाप मेजरमेंट किया था उसी को हम डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। आप चाहे इसको बड़ा भी बना सकते हैं, आप चाहे इसको छोटा भी बना सकते हैं। और इतना अच्छा बनता है कि छोटे बड़े सब मांग करके खाएंगे। और पुराने सब नाश्तों से बोर हो गए हैं तो एक बार ये नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको अच्छे से सिकने देंगे और सिकने के बाद इसको हम पलटेंगे। और इसी तरह हमने सारे बना करके तैयार करने हैं, उलटते हुए पलटते हुए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और हम अपने सारे बना करके तैयार कर लेते हैं। अगर आपको इसको पलटने में दिक्कत आ रही हो तो आप एक काम कीजिएगा, जैसे एक ये जैसे लकड़ी का एक ये होता है, एक ये वाला होता है पलटने के लिए, तो इसको इसके नीचे ऐसे डाल लीजिएगा। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसको बाद ये ऐसे पलटा जाएगा। इतने आराम से पलटा जाता है, ये नहीं टूटता है और न और होता है।
और ये आराम से पलटा भी जाता है, लेकिन इन सब दो चीज़ों की ऐसे ज़रूरत पड़ती है। इसको एक बार ऐसे घुमा लेते हैं और इसको हल्का से नीचे ले करके पलट देते हैं तो ये टूटता नहीं है पलटने में। सारा हमारा नाश्ता बन करके हो गया है तैयार और ये इतना टेस्टी बनता है, इतना अच्छा बनता है कि एक बार अगर आप इसको बना करके खा लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप इसको दोबारा ज़रूर बनाएंगे। ये देखिए, और इसको आप हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के भी साथ आप खा सकते हैं और इतना टेस्टी लगता है। और टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हरी सब्जियां भी पड़ी हुई है और सब्जियां आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपका मनपसंद सब्जी हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और बच्चे और बड़े सब मांग करके खाएंगे, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं वीडियो का भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं आपको एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक।